स्टूडेंट्स, दिस इज़ ट्विंकल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, UPTGT का एग्ज़ाम जो है 7 और 8 अगस्त को हो चुका था और PGT का एग्ज़ाम 17 और 18 को होना था, जिसमें 17 का एग्ज़ाम हो चुका है। और आपको बता दें कि आज एग्ज़ाम के बाद मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि हिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी का पेपर जो है टफ रहा, और आप लोगों के हिसाब से और कौन सा पेपर टफ रहा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब भी पेपर टफ़ होता है तो कट ऑफ इतनी ही कम जाती है, जैसे कि TGT में भी हुआ कि पेपर टफ था तो कट ऑफ जो है कम ही जाएगी, उसी तरह से PGT में भी होगा कि पेपर जो है टफ रहा। स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर इतना ज़्यादा टफ था कि उनको जो है कंफ्यूज़ हो गए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कंफ्यूजन आ गई। इवन उन्होंने ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए थे कि ऑप्शंस में जो है जो करेक्ट ऑप्शन था वही स्टूडेंट्स भूले जा रहे थे, मतलब ऑप्शन भी इस तरह के इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए उन्होंने। तो यानी कि पेपर बहुत टफ रहा आप लोगों का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि कुछ स्टूडेंट्स का जो है 10 नंबर का या कुछ स्टूडेंट्स का 20 नंबर का जो है क्वेश्चंस छूट गए हैं। आप सभी के क्वेश्चंस कितने छूटे हैं, कितने करे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए तभी पता चलेगा जब तक सारे स्टूडेंट्स अपना एक आइडिया नहीं बताएंगे। तो आप लोग PGT में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं और किन सब्जेक्ट्स में किए हैं, उन सभी को आप जो है कमेंट्स में बताइएगा। मैं उस हिसाब से आपको कट ऑफ बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको TGT पे कट ऑफ बताई थी, उसी तरह से मैं आपको PGT पे जल्द ही इसका वीडियो अपलोड करूंगी। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को सभी में शेयर करिए ताकि सभी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो। थैंक यू सो मच।